ओम बिरला, राजस्थान की राजनीति के एक बड़े शख्सियत जिसे आज देश जान रहा है। राजस्थान से राजनीति की शुरुआत करने वाले ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने। हालांकि अब तक कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंकाया। मेनका गांधी का नाम तो रेस में चल रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने एक ऐसे सांसद को लोकसभा स्पीकर के लिए चुना जिसका नाम रेस में भी नहीं था। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला को आज निर्विरोध रूप से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। मंगलवार को ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और उनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा। ऐसे में ओम बिरला का चुना जाना तय माना जा रहा था। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास लेकर, क्योंकि ये सदन निष्पक्ष भी है, निर्विवाद भी है। कोशिश ये होना चाहिए कि निष्पक्ष हो भी और निष्पक्ष दिखे भी से, सभी लोगों का संरक्षण और इस लोकसभा की मर्यादा को बनाकर हम सदन को आगे चलाएं। मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और सारे दलों ने इस पर साथ दिया। कांग्रेस और टीएमसी भी ओम बिरला के नाम पर साथ रहे, यानी कि ओम बिरला निर्विरोध स्पीकर चुने गए। स्पीकर चुने जाने के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी और साथ ही उनकी कुर्सी तक उन्हें लेकर गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने के बाद संसद के भीतर बधाइयों का दौर भी शुरू हुआ। AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बधाई दी और एक अलग उम्मीद भी जताई। मुबारकबाद देता हूं कि आप एक अजीम ओहदे पर आज फायज हुए हैं। वजीर आजम ने अपने तारुफी कलमात में आपके बारे में बताया है और मैं अपनी जानिब से आपको, अपनी पार्टी की जानिब से अपना पूरा ताउन पेश करता हूं। और सर, मैं आपको बड़ी एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बड़ी हम्बलनेस के साथ, कि जिस अजीम ओहदे पर आप आज फायज हैं, मेरी आपसे उम्मीद है और गुजारिश है कि हमारे मुल्क की जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आप उसकी हिफाजत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन राजनाथ सिंह ने किया। इसके बाद अमित शाह, अरविंद सावंत समेत कई अन्य सांसदों ने भी ओम बिरला के प्रस्ताव को रखा और अन्य सांसदों ने भी उनका समर्थन किया। चुनाव की प्रक्रिया के बाद ओम बिरला ने स्पीकर पद की कुर्सी संभाली और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी।